दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रहे जस्टिस अरिजीत पसायत ने कहा था कि मैरिटल रेप किसी पति का विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक वायलेंट एक्ट और इनजस्टिस है जिसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। फिर उनकी इसी बात को सपोर्ट करते हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हर 3 में से एक महिला जिनकी एज 18 ईयर से 49 ईयर्स है वो अपने पति के द्वारा सेक्सुअली और फिजिकली असॉल्ट होती है। साथ ही हर 5 में से एक पुरुष अपनी वाइफ या फिर पार्टनर के साथ फोर्सफुली सेक्स करता है जो कि उस महिला के कंसेंट के बिना होता है। देश के लगभग हर राज्य से लिए गए लाखों महिलाओं के सैंपल से तैयार हुए सर्वे की रिपोर्ट एक और जहां चौंकाने वाली है, वहीं दूसरी ओर देश में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की मांग करती है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के कानून शादी के बाद होने वाले फोर्सफुली सेक्स या सेक्सुअल वायलेंस को रेप कंसीडर नहीं करते और यही वजह है कि आज भी महिलाओं को कॉलोनियल एरा के उसी सोच का शिकार बनना पड़ता है जिसमें ये माना जाता था कि शादी के बाद औरत पति की प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसी सोच के चलते आज देश भर में मैरिटल रेप के बहुत से सेंसिटिव केसेस में भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता, जिसे लेकर सालों से ये बहस चल रही है कि भारत में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। वो भी तब जब दुनिया भर की 150 कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है और इसमें नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देश भी शामिल है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक इसे एक फैंसी फेमिनिस्ट टर्म मानकर सोसाइटी के द्वारा इग्नोर किया जाता रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी मैरिटल रेप से जुड़े हर एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैरिटल रेप के लीगलाइज्ड होने में ईयर 1736 का बहुत बड़ा रोल रहा है। दरअसल इसी साल सर मैथ्यू हेल की कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट थ्योरी के आइडिया को ब्रिटेन में मैट्रिमोनियल रेप का ग्राउंड माना गया। सर मैथ्यू हेल के मुताबिक किसी भी पुरुष को मैरिटल रेप के लिए गिल्टी नहीं माना जा सकता है और ऐसा उन्होंने साधार पर कहा क्योंकि मैरिज में वाइफ अपने हस्बैंड को एक म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट दे देती है जिससे वो शादी के बाद मुकर नहीं सकती और देखा जाए तो कंसेंट परमानेंट होता है। दोस्तों इसी लीगल ग्राउंड को अंग्रेजों के द्वारा इंडियन पिनल कोड 1860 के रेप लॉ में एक्सेप्शन के तौर पर ऐड किया गया जो कि आज तक इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 375 महिलाओं के साथ होने वाले रेप के खिलाफ सजा देने वाला कानून है, लेकिन इस सेक्शन में मैरिटल रेप को बाहर रखा गया है। देखा जाए तो आयरनी ये है कि जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इंडियन लॉ का हिस्सा बनाया था उसने भी 1991 में ही मैरिटल रेप को अपने यहाँ पर अपराध मान लिया, लेकिन भारत आज भी अंग्रेजों की इस गलती को सही मान रहा है। दोस्तों साल 2012 में निर्भया रेप केस के बाद सरकार ने साल 2013 में जेएस वर्मा कमेटी सेट की थी जिसका काम इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स का रिव्यू करना था। निर्भया केस में हुए ब्रूटल रेप और मर्डर को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे जिसमें मैरिटल रेप को रेप लॉज में एक्सेप्शन न मानने की सलाह दी गई थी। यानी कि जेएस वर्मा कमेटी ने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस में मैरिटल रेप का भी बड़ा रोल है और इसलिए इसे भी क्रिमिनल लॉ में शामिल किया जाना चाहिए। वैसे तो सरकार ने इस कमेटी के बहुत से सजेशंस को मान लिया, लेकिन तब की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने मैरिटल रेप के कानून में बदलाव नहीं किया। साल 2022 में बीजेपी के सांसद ने राज्यसभा में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देते हुए कहा था कि ऐसा करने से पूरा मैरिज इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी हर मौके पर गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट ही आर्ग्यूमेंट देती रही है, जिसे आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो मैरिटल रेप को लेकर सभी पार्टीज ऑर्थोडॉक्स ही सोचती हैं, जिसके चलते आज तक रेप केसेस में एक्सेप्शन की तरह माना जाता है। दोस्तों मैरिटल रेप एक्सेप्शन ब्रॉडली दो एजम्पशंस पर बेस्ड है जिनमें एक है कंसेंट इन परपेट्यूटी और दूसरा एक्सपेक्टेशंस सेक्स। कंसेंट इन परपेट्यूटी का मतलब हुआ शाश्वत सहमति। दूसरा एक ऐसा एजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग एक बार जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड को परमानेंट कंसेंट दे देती है जिससे वो मुकर नहीं सकती, जो कि बेसिकली मैथ्यू हेल की कंसेंट थ्योरी पर बेस्ड है, यानी लड़की अपने पति की प्रॉपर्टी हो जाती है। दूसरे एजम्पशन यानी कि एक्सेप्शन ऑफ सेक्स की बात करें तो इसमें ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वुमेन शादी के रिश्ते में सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ड्यूटी बाउंड है, क्योंकि शादी का मेन एम ही रिप्रोडक्शन है और शादी में हस्बैंड की अपनी वाइफ से सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसके चलते वाइफ अपने हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस से इनकार नहीं कर सकती है। देखा जाए तो इन्हीं दो एजम्पशंस की वजह से महिलाओं के साथ उनके पति जबरदस्ती सेक्स करते हैं, जिसे लेकर ना तो सोसाइटी रैशनल है और ना ही लॉज। आज भारत में 99% से ज्यादा महिलाएं जो मैरिटल रेप की शिकार होती हैं, वो किसी से भी इस बात की कंप्लेन नहीं कर पाती हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि इंडियन सोसाइटी में मैरिटल रेप की रियलिटी क्या है, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत में महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर हुई है, लेकिन मैरिटल रेप के मामले में तो अपने घर और अपने कमरे में भी सेफ नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी क्लास की महिला क्यों ना हो, यहाँ तक कि अगर वो एम्प्लॉयड है या अपने पैरों पे खड़ी है तो भी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019 से 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ 53% अनएम्प्लॉयड महिलाएं मैरिटल रेप का शिकार होती है, वहीं 26% एम्प्लॉयड वुमेन भी अपने हस्बैंड के द्वारा सेक्सुअली हरेश की जाती हैं। देखा जाए तो उसी NFHS का डेटा ये भी कहता है कि इंडिया में 12% मर्द ऐसे हैं जो जबरदस्ती सेक्स को अपना अधिकार मानते हैं। दोस्तों अगर NFHS सर्वे की फाइंडिंग को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो आज देश में अलग अलग राज्यों में 3% से 43% के रेंज में मैरिटल रेप की घटनाएं होती हैं। शादी के बाद भारत में जितनी भी महिलाएं सेक्स
सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं। उनमें 5.6% महिलाएं पति के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिजिकली फोर्स की जाती हैं। 2.7% महिलाओं को सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फिजिकली फोर्स किया जाता है जो कि वो नहीं करना चाहती है। और 3.7% महिलाओं को फिजिकली वायलेंस का थ्रेट देकर उनकी विल के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती है, यानी महिलाओं से जबरदस्ती करने के दौरान उनके पति उन्हें फिजिकली टॉर्चर करते हैं। और इसीलिए NFHS की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में होने वाली घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश होती है। आज देश में जितनी भी स्पाउजल वायलेंस की रिपोर्ट दर्ज होती है उसमें से 45% केसेस में महिलाओं के साथ फिजिकल वायलेंस के साथ ही साथ सेक्सुअल वायलेंस भी हुआ रहता है, लेकिन कंप्लेंट सिर्फ सेक्शन 498 यानी कि घरेलू हिंसा के तहत दर्ज की जाती है। सीरियस कंडीशन होने के बावजूद भी इंडिया में मैरिटल रेप को आज भी डोमेस्टिक वायलेंस की तरह देखा जाता है, जिसमें जस्टिस के नाम पर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, जुडिशियल सेपरेशन और मॉनेटरी कंपनसेशन ही मिलता है। दोस्तों, कंडीशन ये है कि या तो महिला अपने साथ हर बार बिना कंसेंट के सेक्स होने दे, या फिर अगर उसे उसके खिलाफ केस कराना है तो पहले अपने पति से फिजिकली असॉल्ट हो, तभी कानून उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन उसके साथ महिलाओं की इंटीग्रिटी को जो नुकसान पहुंचता है और मैरिटल रेप के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैरिटल रेप के इफेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैरिटल रेप विक्टिम के फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है, जो लंबे समय में महिलाओं के इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को नुकसान पहुंचाता है। अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो जिन महिलाओं ने मैरिटल रेप को एक्सपीरियंस किया है उनमें आमतौर से उदासी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फियर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम और सेक्सुअल इंस्टेबिलिटी जैसी मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी महिला को यह पहली बार पता चलता है कि उसके साथ बिना उसकी मर्जी के सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो ये विचार ही अपने आप में उस महिला के लिए शॉकिंग होता है, लेकिन इस शॉक की वजह से उनके भीतर विरोध करने की हिम्मत नहीं बचती, जिसका असर लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पर भी पड़ता है। दोस्तों, हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो ये देखा गया कि फ्रीक्वेंटली रेप की वजह से महिलाओं में क्रॉनिक पेन बहुत ही कॉमन हो जाता है, साथ ही फिजिकल असॉल्ट के चलते ब्लैक आईज, फ्रैक्चर्ड रिब्स और नाइफ वुंड्स के साथ ही साथ बॉडी मार्क्स भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मेजोरिटी ऑफ विक्टिम्स ये बताती हैं कि फोर्सफुली सेक्स करने की वजह से उन्हें इंटेंस पेन के साथ ही साथ इंटेंस वैजिनल रेप्चर और वैजिनल ब्लीडिंग होती है, साथ ही अननेचुरल सेक्स की वजह से भी ब्लीडिंग और इंटेंस पेन होता है। ऐसे में अगर एक बार भी ऐसा हुआ हो और उनके दिमाग में किसी भी तरह की घटना का ख्याल आता है तो विक्टिम्स बीमार पड़ जाते हैं। मैरिटल रेप की कंडीशन में वाइफ को अनवांटेड प्रेगनेंसीज की भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जो उन्हें फिजिकली और इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है। फोर्सफुली सेक्स की वजह से विक्टिम्स में वैजिनल रेप्चर होता है, जिसके चलते उनमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। दोस्तों, बहुत से केसेस में ऐसा पाया गया है कि मैरिटल रेप एट द एंड वाइफ के सुसाइड का असली जिम्मेदार बनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ना तो घर वाले और ना ही कानून इस बात को मानेगा कि उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कभी इंडिया में भी मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड हो सकता है या नहीं, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत में मैरिटल रेप का अपराध न होना एक तरह से भारत के संविधान के खिलाफ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैरिटल स्टेटस के नाम पर अगर किसी महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस माना जाएगा। साथ ही इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंश्योर करने के लिए ही भारत में मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन की जुडिशियल शुरुआत साल 2015 से हुई, जब सबसे पहले RIT फाउंडेशन नाम के एक NGO ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए रेप लॉ के मैरिज एक्सेप्शन की संवैधानिकता पर सवाल किए। देखा जाए तो साल 2015 से केस की हियरिंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर मैरिटल रेप पर उनकी राय मांगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में कहा कि मैरिटल रेप को अपराध मानने से इंडियन सोसाइटी पर इसका हार्मफुल इंपैक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद साल 2017 में मैरिटल रेप को पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और खुशबू सैफी के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया। 3 साल तक अजन रहे इस केस की सुनवाई साल 2021 में फिर शुरू हुई, और साल 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस की बेंच ने मैरिटल रेप के मामले में स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, जिसे किसी रिजल्ट पर तो नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुंच गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की एक बेंच बनी और अभी इस मामले में सुनवाई होनी बाकी है। ऐसे में अब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड करने की एक बड़ी होप सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही है, लेकिन करंट गवर्नमेंट का मैरिटल रेप को लेकर टेक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सरकार लगातार मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार करती आई है। देखा जाए तो गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि केवल इसलिए कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत जिन देशों की लिस्ट में है जहां अब तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और चाइना जैसे देश हैं, और आप भी जानते हैं कि इन देशों में महिलाओं की हालत क्या है। ऐसे में सरकार को यह समझना होगा कि संविधान भारत में सभी जेंडर्स को इक्वल राइट देता है, जिसमें शादी के बाद भी महिलाओं के पास अपने पति से सेक्स के लिए ना कहने का अधिकार होना चाहिए, जो एक तरीके से उनका संवैधानिक अधिकार ही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केस के दौरान कहा था कि
द राइट टू से नो टू सेक्स शुड बी देयर आफ्टर मैरिज ऑल्सो। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैरिटल रेप को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शन ऑफ रेप लॉ से हटा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको भी समझने की कोशिश करें कि महिलाओं के साथ होने वाले इतने बड़े डिस्क्रिमिनेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एड्रेस नहीं करती, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया में लॉज का मिसयूज ही जिम्मेदार है। दरअसल आज भी इंडिया में गलत रेप के केसेस तेजी से दर्ज होने लगे हैं। देश में दर्ज होने वाले 75% रेप केसेस में आरोपी को कोर्ट के द्वारा निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। साथ ही इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 का इस्तेमाल भी आजकल महिलाओं के द्वारा अपने पतियों को धमकाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं, जिस पर आप हमारी ये डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करने में सरकार डर रही है। उनका डर है कि ऐसा होने पर महिलाएं अपने पतियों के खिलाफ रेप की झूठी शिकायतें दर्ज कराने लगेंगी, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ में सेक्स के दौरान कंसेंट था या नहीं ये किसी भी तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकता है। और इन्हीं सब कारणों के चलते भारत में अब तक मैरिटल रेप एक एक्सेप्शन बना हुआ है। लेकिन इस डर से महिलाओं के खिलाफ होने वाला वायलेंस कम नहीं हो जाता। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और जुडिशियरी मैरिटल रेप के लिए एक बैलेंस ग्राउंड पर जरूरी कानून बनाए। दोस्तों, हमारा संविधान न सिर्फ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से लिबरेशन के टूल की तरह ड्राफ्ट किया गया था, बल्कि इसकी ड्राफ्टिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट के तौर पर भी हुई थी, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस से पूरे समाज को बचाने का काम करता है। ऐसे में क्या हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां उन्हें आज भी पुरुषों की संपत्ति माना जाए? देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है, जिसका जवाब यह तय कर सकता है कि क्या देश में मैरिटल रेप को अपराध माना जाना चाहिए। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।